मैंने सिर्फ इंसान बनाया और इंसान ने ये जात पात कर मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले हंसी आती है तेरी सादगी पर। जब भी बॉलीवुड से मूवी आता है तो लगता है कि अब ये हिट होगा और फ्लॉप। 2023 में सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की पठान ने ही ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अब क्या बताऊं दोस्तों, अक्षय कुमार की जो भी फिल्म आया है वो तो सिनेमा घरों में बुरी तरह से पिट जाएगी। को पैसा बर्बाद पहन चोर। अभी अभी अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी रिलीज होकर आया था, बजट 100 करोड़ और कलेक्शन 20 करोड़ भी क्रॉस कर नहीं पाया, यानी कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ तो अक्षय कुमार की कैरियर खत्म हो सकता है, लेकिन एक फिल्म है जिससे अक्षय कुमार की एक बार हिट हो सकते हैं। उस फिल्म का नाम है OMG 2, यानी कि ओ माय गॉड 2। जी हाँ दोस्तों, OMG 2 मूवी बनाने के लिए अक्षय कुमार के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी OMG 2 के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सुनने में आया है कि इस मूवी के मेकर्स बहुत जल्द शूटिंग करने वाले हैं। मूवी में बहुत बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। अक्षय कुमार ने OMG 2 को लेकर एक पोस्टर रिलीज किया था जिसमें उनको महादेव की लुक्स में देखने को मिला था। अब अक्षय कुमार इस मूवी में कैसा ऑडियंस ले पाते हैं देखते हैं। कुछ महीने से अक्षय कुमार की नॉन स्टॉप फिल्म फ्लॉप होते हुए जा रहे हैं। अगर इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म की मेन रोल पर अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी देखने को मिलने वाले हैं। अभी बहुत बड़े सितारे देखने को मिलने वाले हैं, पर और कास्टिंग को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें भगवान श्री राम के रूप पर अरुण गोविल जी देखने को मिलने वाले हैं। हीरोइन के रूप पर एमी गौतम दिखाया जाएगा। फिल्म को बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर में से एक अमित राय के डायरेक्टर में बनाने वाले हैं। OMG के पार्ट 1 एक रीमेक मूवी थी। सुनने में आया है कि इसका पार्ट 2 भी रीमेक मूवी होने वाले हैं, पर कौन सा मूवी की रीमेक होगा ये तो अभी तक कुछ पता नहीं है। फिल्म की स्टोरी तो इसका जब टीजर आएगा तभी पता चलेगा। बात करें तो फिल्म की रिलीज डेट की, ये मूवी मेकर्स ने पहले तो 2023 में आएगा बोला था, पर अब 2024 में कंफर्म हुआ है। अगर फिल्म में हिंदू धर्मों की मजाक ना उड़ाते हुए बिना कंट्रा वर्षी के फिल्म रिलीज किया तो फिल्म जरूर हिट होगा। आप लोगों को क्या लगता है, बहुत मूवी फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार की ये फिल्म हिट होगा और नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बिगेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।